नमस्ते, मैं आपकी जीनी दोस्त मीरा। और आज इस रिएक्शन वीडियो में मैं आपको एक बहुत अच्छा वीडियो आपको दिखाना चाहती हूँ। शायद आपको मालूम है, ये महामारी की वजह से मैं 2 साल तक भारत नहीं गई, इसलिए आजकल मैं तो यूट्यूब पर भारत से रिलेटेड वीडियो देख रही हूँ। और मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो मिला। हमें भी बताओ, इस चैनल पर बहुत ज्यादा भारत से रिलेटेड वीडियो है और आज मैं ये वीडियो आपको दिखाऊंगी। जर्नी ऑफ इंडिया, फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्री, अ न्यू एरा ऑफ इंडिया, इमर्जिंग इंडिया, दिस इज इंडिया। ओके, हम शुरू करते हैं। Okay, this video is about the journey of India, the country which was known as the golden bird of the world, Sone ki Jiriya. Due to its abundance of culture and tradition, resources, rich heritage and breathtaking art, architecture. But foreign powers took and made us so weak and put the seed of division between Hindus and Muslims, which still existed on the land. Okay. शुरू करते हैं। दिस इज न्यू इंडिया, द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट, ये कहां है सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। क्या आपको मालूम है कि नहीं प्राचीन समय में दुनिया में सिर्फ चार पुराना और प्रसिद्ध सभ्यता वाला देश कौन? भारत और चीन दोनों इनमें शामिल है। इसलिए चीन और भारत दोनों पुराना सभ्यता वाला देश है और पुराना इतिहास वाला देश है दोनों। सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया, और मेरे विचार में भारत शायद चौथा या पांचवा। सेवेंथ लार्जेस्ट, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? The capital of India is New Delhi. हाँ, New Delhi मेरा दूसरा गृह नगर है। मैं फिर नई दिल्ली में रहती थी 1 साल के लिए। Mega devices country. क्या बोला तूने? Diverse country. India has 22 recognized languages. Hindi सिर्फ एक है। लेकिन मेरे विचार में ज्यादातर लोग तो हिंदी समझते हैं, हिंदी बोलते हैं, है ना? लेकिन मुझे मालूम है कि भारत में अलग अलग जगह में अलग अलग शहरों में अलग अलग भाषा बोलते हैं। आप तो अलग अलग भाषा बोलना या लिखना ठीक है, लेकिन मेरे विचार में एक देश में एक राष्ट्रीय भाषा जरूर चाहिए। सिर्फ एक राष्ट्रीय भाषा से आप यूनाइटेड कर सकते हैं। ये तो लोगों के बीच आदान प्रदान के लिए या बातचीत करने के लिए सुविधाजनक। लार्ज डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, हाँ ये सब पता है, मुझे सब पता है। महाराष्ट्र, हाँ ये जरूर महाराष्ट्र। वेस्ट बंगाल, कोलकाता। Second largest English speaking country in the world. हाँ, लेकिन वर्तमान में ज्यादातर युवा लोग तो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, वे हिंदी नहीं बोलते हैं, क्योंकि शायद उनके विचार में अंग्रेजी बोलना और पॉपुलर होता है। जो भाषा बनी बोलने में शर्माते हैं, वो वही है थूकते जहाँ वो खाते हैं। लेकिन मेरे विचार में हिंदी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, आप जरूर हिंदी की रक्षा करनी चाहिए। मार्टिन ऑर्बिट, उत्तर प्रदेश। वाओ, बहुत सुंदर है। इंडियन एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर टू मोर देन 90 कंट्रीज, 90 देशों के लिए सॉफ्टवेयर। वाओ, ओह माय गॉड, वाओ। केरला, not invading other countries in the last 10,000 years of her history. The steel wires in the Bandra. Sea Link, wow! Yeah, Sea Link. Pehli baar maine dekha. Varanasi is the most ancient surviving city in the world. Varanasi bahut sundar hai. Manufacturers,
अभी ज्यादा से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय कंपनी तो भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा प्रसिद्ध ब्रांड भी भारत में, शायद आपको मालूम है, जो चाइना में इससे पहले सब चीज तो मेड इन चाइना, लेकिन अभी भारत में आप ही मेक इन इंडिया ये प्रोग्राम पढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है। और मुझे विश्वास है कि भारत में मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट जरूर अच्छा क्वालिटी और अच्छा दाम होता है, अच्छा दाम होता है। गुड लक। Second largest military in the world. Wow, Indian Air Force. Jinnah Bridge, highest rail bridge in the world. Air India. Gujarat, huh? Modi ji ka Krishnagar. Lowest divorce rate in the world. Ye to achhi baat hai. Kyunki vartman mein China mein zyada se zyada yuva log to divorce karte hain. तो चाइना में वर्तमान में शायद ये डिवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, ये तो एक बहुत अच्छी बात है। भारत में ये लोएस्ट डिवोर्स, मैरिज में पति और पत्नी एक दूसरे का समा करना चाहिए और एक दूसरे को समझना चाहिए, समझाना भी चाहिए, ये तो शायद डिवोर्स रेट कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। British rule in the early 17th century. तो भारत उस समय सबसे सबसे अमीर वाला देश थे। India's capacity. ये तो भारत में manufacturing कितना अच्छा है देखने में। Field hockey, कबड्डी, लेकिन भारत में हाँ cricket, भारत में सबसे अच्छा तो cricket है। आपको कौन सा खेल सबसे पसंद है? Yoga has its origins in India. Yoga भी चाइना में लोग बहुत बढ़िया है, बहुत लोकप्रिय है। अगर आप चाइना में एक नौकरी मिलना चाहते हैं, जरूर योगा गुरु, जरूर योगा गुरु। क्या करूं मैं, मर जाऊं? मेरी कोई फीलिंग नहीं है। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी हाँ। 70% ऑफ वर्ल्ड स्पाइसेस, ये मसाले। जब मैं भारत में रहती थी, मैं भी रोज रोज स्ट्रीट फूड और भारतीय खाना रोज रोज खाती हूँ। अगर मैं घर में खुद बनाना, जो इतना ज्यादा मसाले नहीं खरीद सकती हूँ, शायद ये मसाले सिर्फ भारत में मिल सकते हैं। Engineers, software developer, and scientists in the world. हाँ, software. Microsoft का CEO भी भारतीय लोग हैं ना? Mumbai city. Skyscraper. Wow. Fourth largest railway network in the world. अंडमान, वाओ, अंडमान इतना सुंदर है। जब मैं भारत में रहती थी, मैं एक बार अंडमान गई थी, लेकिन मैंने ये एयर टिकट खरीदा था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद मुझे बताया है कि चीनी लोग वहां नहीं जा सकते हैं, एक विशेष परमिशन चाहिए। इसलिए मैं अंडमान द्वीप के एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैं सीधा वापस भेजी गई थी। DLF more, दिल्ली में मैं हर हफ्ते जरूर DLF more जाती थी कुछ सलवार सूट खरीदने के लिए। वहाँ एक बिग बाजार, मेरे सभी सलवार सूट वहाँ से खरीदा था और मेरे सभी साड़ी सरोजनी नगर से मिला। लाल किला। ओके, ये वीडियो तो यहीं तक। इस वीडियो देखकर मेरी भारत की याद आ रही है। हालांकि मैं अभी भारत जाने का मौका नहीं मिलती हूँ, लेकिन इस वीडियो देखकर मुझे मालूम है कि भारत अभी कितना तेजी से विकास हो रहा है। आशा है कि ये महामारी के बाद जब अगली बार मैं भारत जाऊंगी तो और एक नया इंडिया देख सकती हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। और अगर आपको पसंद है, जरूर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।